नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कॉमेडियन राजपाल यादव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और राजपाल यादव पर एक बेहद ही गंभीर आरोप लगा है और इनके ऊपर पैसे हड़पने का आरोप लगा है। क्या है पूरी खबर और कैसे राजपाल यादव को अब जेल जाना पड़ सकता है, जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंदौर के थाने में अभिनेता राजपाल यादव पर 20 लाख रुपए हड़पने का लगा है आरोप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, मध्य प्रदेश शहर के प्रताप नगर में रहने वाले कारोबारी सुरिंदर सिंह ने तुकोतगंज थाने में अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ शिकायत आवेदन किया है। फिल्म में हास्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता राजपाल यादव पर इंदौर के इस कारोबारी ने 20 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। जांच और पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए इंदौर पुलिस ने अभिनेता के मुंबई स्थित पते पर नोटिस भेज दिया है, लेकिन राजपाल यादव ने नोटिस लेने से ही पूरी तरह से इनकार कर दिया है। मालूम हो कि शिकायतकर्ता कारोबारी सुरिंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि राजपाल यादव से उनकी पहचान है। इंदौर के सिटी सेंटर स्थित अपने दफ्तर पर यादव को वर्ष 2010 से 2012 के दौरान यादव को उन्होंने रुपए दिए थे। यादव ने आर्थिक जरूरतों का हवाला देकर रुपए हासिल किए। शिकायतकर्ता ने पुलिस को ये जानकारी देते हुए बताया कि रुपए लेते हुए राजपाल यादव ने उन्हें भरोसा दिया था कि या तो वो रुपए लौटा देंगे या फिर सुरेंद्र सिंह के बेटे रविंदर सिंह को फिल्मों में काम दिलवा देंगे। शिकायतकर्ता सुरिंदर सिंह के अनुसार उनका बेटा रविंदर सिंह एक गायक है। बीते दिनों कई बार पिता के लिए तकादा करने के बावजूद अभिनेता राजपाल ने तो रुपए लौटाए ही नहीं और उनके बेटे को फिल्म में भी गाने का मौका नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता सुरिंदर सिंह ने अभिनेता राजपाल यादव पर यह भी आरोप लगाया दिया है कि रुपए मांगने पर अभिनेता ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी है। मालूम हो कि छोटी गवाल टोली थाना पुलिस ने सिपरा थाने के सिपाही लखना हांडा और हेड कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह चंदेल समेत 7 लोगों को नागपुर के दवा व्यवसायी रोहित अग्रवाल को अगवा करने और 10 लाख रुपए रंगदारी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से अब आने वाले दिनों में राजपाल यादव की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने निकल करके आ रहा है, इसके बाद कॉमेडियन राजपाल यादव की परेशानी बढ़ने वाली है और ये लगातार कटघरे में खड़े होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राजपाल यादव वही अभिनेता हैं जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड में रहते हुए बहुत सारे लोगों को हंसाया, बल्कि इन्होंने अपनी कॉमेडी के दम पर बॉलीवुड में लोहा भी मनवाया है और इसी वजह से राजपाल यादव की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी खासी है। राजपाल यादव ने बहुत सारी फिल्में जैसे कि चुपके चुपके, ढोल, फिर हेरा फेरी और ऐसी ही तमाम बड़ी फिल्मों में काम किया है। लेकिन अब जब राजपाल यादव पर इस तरह से उंगलियां उठने लग गई हैं तो राजपाल यादव के फैन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और राजपाल यादव के फैन भी इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और वो जानना चाहते हैं कि क्या राजपाल यादव ने सच में ये सब कुछ किया है। हालांकि राजपाल यादव ने अभी तक सामने आकर इस पर कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।